बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द स्पीशीज दैट इज इनकरेक्टली मैच्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक शेप अबाउट द सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के बाहर इन मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है उसके मुताबिक कौन सा सही या कौन सा गलत है वो देखना है, और आंसर वो होगा जो इनमें से इनकरेक्ट है। CF4 ये AB4 टाइप मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और वो कैसे जुड़े हुए हैं? टेट्राहीड्रली। BR2 AB2 टाइप मॉलिक्यूल है और सेंट्रल एटम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और वो लीनियर शेप में जुड़े हैं। वाटर AB4 टाइप मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के बाहर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट टेट्राहीड्रल है। जबकि अमोनिया जो है वो भी AB4 टाइप है और उसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, और इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट इसमें भी टेट्राहीड्रल है। जबकि डेल्टा ऑप्शन में क्या लिखा है? पायरामिडल। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद पोलर बॉन्ड्स। देखें, हम एक चीज बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो उसके लिए 2 मेन शरायत हैं। एक शर्त यह है कि जो सेंट्रल एटम कैरीज नो लोन पेयर, यानी सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो। दूसरी बात, सराउंडिंग एटम जो है, कौन से वाले एटम? जो सेंट्रल एटम को सराउंड कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए? वो सिमिलर होने चाहिए। तो तब क्या होगा? ऐसा जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होगा। लें जी, अगर हम इसके मुताबिक अभी देखें तो हमने अभी वाटर की स्ट्रक्चर बनाई थी, तो उसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर थे और 2 क्या हैं? बॉन्ड पेयर। तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ गए तो ये क्या नहीं हो सकता? नॉन पोलर। ये क्या होगा? पोलर। इसी तरह NH3 में सेंट्रल एटम N है, N पे लोन पेयर है, ये भी नॉन पोलर नहीं हो सकता, ये पोलर होगा। PF5 क्या है? ये हमारे पास ट्राइगोनल बाय पायरामिड इसकी स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाय पायरामिड। अब जो फास्फोरस है उसके बाहर 5 बेसिकली हमें बॉन्ड नजर आ रहे हैं। फास्फोरस है भी पांचवें ग्रुप का, तो कितने बॉन्ड बनाता है? 5, तो बनाए हुए हैं। इसका मतलब फास्फोरस पे कोई लोन पेयर नहीं है। PF5 क्या हुआ? नॉन पोलर। जबकि HCl जो है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इसमें देखें Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन H पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगी? पोलैरिटी होगी, क्योंकि ये डायपोल मोमेंट किसी तरफ से कैंसल नहीं हो रहा। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, यानी किसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा या कम है। जैसे PF3 है तो यहां फास्फोरस पांचवें ग्रुप का है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 ने बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले लिया, जबकि 2 ने हिस्सा नहीं लिया, तो ये क्या होंगे? ये लोन पेयर होंगे। तो अब देखिए, ये एक पेयर, ये 2, 3, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। BF3 बोरॉन थर्ड ग्रुप का मेंबर है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ने बॉन्ड बना लिया, तो 3 बॉन्ड है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो दिस मे बी द आंसर। चार्ली, एन
एन पांचवें ग्रुप का है, वैलेंस शेल में पांच इलेक्ट्रॉन थे, तीन ने बना लिए बॉन्ड, बाकी रह गए कितने, दो, यानी एक लोन पेयर। तो अब एक पेयर, ये दो, ये तीन और चार, चार पेयर पूरे ऑक्टेट कंप्लीट है। आर्सेनिक भी पांचवें ग्रुप में, वैलेंस शेल में पांच इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से तीन ने बना लिए बॉन्ड, जबकि एक पेयर वैसे का वैसा रह गया। अब एएस के बाहर एक, दो, तीन और ये चार पेयर, यानी आठ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर नहीं कंप्लीट तो BF3 में B का नहीं कंप्लीट, सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर फोर, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड मे बी रिगार्डेड रिस्पेक्टिवली एस। अब देखें, पहले कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, जैसे मसलन मैं कहूं बच्चों कि H और H का बॉन्ड यहां होगा, आप कहेंगे नहीं होगा इधर, कहां होगा, मैं कहूं यहां होगा, आप कहेंगे नहीं यहां भी नहीं होगा, लेकिन जब मैं कहूंगा यहां होगा, आप कहेंगे बिल्कुल यहां होगा। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, इसकी तो एक खास डायरेक्शन है, यानी आप इधर 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 कहीं नहीं बना सकते, इधर ही बना सकते हैं। तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड कैसा हुआ, डायरेक्शनल हुआ। दूसरी बात भाई, जो इसके अलावा कहीं और हो ही नहीं सकता, तो क्या भी हुआ, रिजिड भी हुआ। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो बातें हैं, डायरेक्शनल भी है और रिजिड भी है। अब जब हम ऑप्शंस देखते हैं, तो अल्फा में नॉन डायरेक्शनल आ गया पहले, तो गलत हो गया, बीटा में नॉन रिजिड आ गया, गलत हो गया, चार्ली में दोनों के साथ नॉन है, तो वैसे ही गलत हो गया। तो पक्की बात है आंसर क्या होगा, आंसर डेल्टा होगा। लेकिन अगर हम इसे आयनिक बॉन्ड के लिहाज से देखें, तो आयनिक बॉन्ड नॉन रिजिड और नॉन डायरेक्शनल है। कैसे है, हमें पता है कि NaCl की स्ट्रक्चर में जो Na प्लस होता है, उसके ऊपर भी एक Cl माइनस होता है, उसके नीचे भी एक Cl माइनस होता है, इसी तरह उसके लेफ्ट पे भी एक Cl माइनस होता है, राइट पे भी Cl माइनस होता है, उसकी बैक पे भी एक Cl माइनस होता है, और उसके फ्रंट पे भी एक Cl माइनस होता है। और शेप कौन सी बनाता है, ऑक्टाहेड्रल। अब आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि भाई अगर मैं NaCl लिखूं तो वो तो Na ऐसे Na प्लस वन होता है, Cl माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन से कैंसल, तो असल में तो एक Na प्लस को एक Cl माइनस से जोड़ना चाहिए। लेकिन आप देखें, एक Na प्लस वन कितने Cl माइनस से जोड़ रहा है, सिक्स Cl माइनस से जोड़ रहा है, और किस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, यानी जिधर से भी अपोजिट चार्ज वाला आयन आता है, ये उसे अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या हो गया, ये नॉन डायरेक्शनल हो गया। फिर इसका मतलब ये रिजिड नहीं है, यानी ये नहीं है कि वो कहता नहीं जी मैंने इधर ही बॉन्डिंग बनानी है, वो जिधर से भी कोई आएगा वो बॉन्ड बनाएगा, अपोजिट चार्ज होना चाहिए बस। तो इसका मतलब नॉन रिजिड भी है, नॉन डायरेक्शनल भी है, कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो पक्की बात है आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर फाइव, द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ आ एंड द वीकेस्ट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आ। तो देखिए नीचे फिजिकल स्टेट्स दी हुई हैं, तो अगर हम ये डायग्राम देखें तो आपको नजर आ रहा है सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत करीब हैं, आप देखें लिक्विड में बहुत करीब नहीं है तो करीब जरूर हैं, और गैसेस में इन दोनों की निस्बत, सॉलिड लिक्विड की निस्बत बहुत दूर हैं। तो इसका मतलब जिसमें पार्टिकल करीब होते हैं उसमें फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होती हैं, और जिसमें दूर होती हैं उनमें सबसे वीक होती हैं। तो हमसे पूछा हुआ था स्ट्रांगेस्ट और वीकेस्ट, तो ये पहली और आखिरी हदूद हैं, यानी सबसे स्ट्रांग और सबसे वीक। तो सबसे स्ट्रांग का जिक्र पहले था, तो इसका मतलब पहले सॉलिड होगा, और सबसे वीक का जिक्र बाद में था, इसका मतलब बाद में क्या होगा, गैस। तो आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। किसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, देखिए जब हम BCl3 की बात करते हैं तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि अभी अभी हमने बात की थी कि जब सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो और बाहर सारे एटम एक जैसे हों तो वो नॉन पोलर होता है। तो अगर बच्चों ये नॉन पोलर है तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगे। इसी तरह हमारे पास CO2 है, CO2 क्या है, लीनियर होता है। अब जितना डायपोल मूवमेंट राइट साइड पे उतना लेफ्ट साइड पे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ये भी क्या होगा, नॉन पोलर। और सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहते हैं कि सी पे लोन पेयर नहीं है और उसके बाहर दो एटम थे दोनों सेम है तो ये नॉन पोलर है। तो कौन सी फोर्सेज होंगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। CH4 देखें,
सी एच फोर में कार्बन चौथे ग्रुप का था, वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने बॉन्ड बना लिए, तो सी पे कोई लोन पेयर नहीं है। अब बाहर जो एटम जुड़े हैं सबके सब सेम है, इसका मतलब ये भी क्या है, नॉन पोलर। तो अगर बच्चों ये भी नॉन पोलर है तो इसका मतलब इसमें भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होंगे। एस एन जो है ये चौथे ग्रुप का है, वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस सीएल से बॉन्ड बना रहा है, एक इससे, तो कितने रह गए, दो इलेक्ट्रॉन, यानी एक लोन पेयर। तो हमने अभी डिस्कस किया कि जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो और बाहर सारे एटम एक जैसे ना हो, इनमें से कोई भी कंडीशन हो, तो वो क्या होगा, पोलर। अब पोलर है तो कौन सी फोर्सेज होंगी, डायपोल डायपोल फोर्सेस। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 7, इट रिक्वायर्स 425 किलो जाउल पर मोल टू ब्रेक द फर्स्ट सी एच बॉन्ड इन द मीथेन मॉलिक्यूल एंड 335 किलो जाउल पर मोल टू ब्रेक द फोर्थ सी एच बॉन्ड। इन परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग बॉन्ड एनर्जीज व्हाट वैल्यू फॉर द सी एच बॉन्ड एनर्जी इज यूज्ड। देखिए जब हम बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो डिफाइन कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पे गौर से देखें, हम कहते हैं बच्चों हमारे पास है मीथेन। जरा ध्यान से देखना है कि मीथेन के अंदर अगर हम एक्चुअली देखें तो सारे के सारे सी एच बॉन्ड जो हैं उनकी बॉन्ड लेंथ एक जैसी नहीं होती। क्यों नहीं होती, कि जब मीथेन के मॉलिक्यूल मीथेन के पास आते हैं और उनमें अभी जैसे हमने डिस्कस किया लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, तो असल में इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन से रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से या इंटरेक्शंस की वजह से कोई बॉन्ड लेंथ में बड़ा हो जाता है, कोई बॉन्ड लेंथ में छोटा हो जाता है। अब जितना बॉन्ड छोटा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। मैं कहता हूँ सपोज इसको तोड़ने के लिए 4 किलो जाउल पर मोल चाहिए, इसके लिए चाहिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। अब बॉन्ड एनर्जी ना 1 होती है, ना 2, ना 3, ना 4, हम क्या करते हैं 1+2+3+4, चार तरह की बॉन्ड एनर्जी थी, डिवाइड भी कर देंगे 4 पे। अब इसको सम अप करेंगे तो ये 10 10/4 क्या होगा 2.5। यानी बॉन्ड एनर्जी डिफाइन ही ऐसे की जाती है कि किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे सी एच फोर एक मॉलिक्यूल है, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड, जैसे कि सारे बॉन्ड सी एच हैं, को तोड़ने के लिए जो एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो एल्वा क्या है, द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द फोर्थ सी एच बॉन्ड एंड मीथेन, बिल्कुल गलत। द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द फर्स्ट सी एच बॉन्ड एंड मीथेन, बिल्कुल गलत। चार्ली एन एवरेज वैल्यू ऑफ सी एच बॉन्ड एनर्जी इन मीथेन, तो हमने यही काम किया ना कि मीथेन के अंदर ये जो चारों बॉन्ड थे उनकी एवरेज सी एच की बॉन्ड एनर्जी निकाल दी, तो ये सही हो सकता है। एन एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट सी एच बॉन्ड एनर्जीज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड, जैसे ही उसने डिफरेंट कंपाउंड किया तो बात क्या हो गई, गलत, क्योंकि हम तो बात ही किसकी कर रहे थे, मीथेन के अंदर सिमिलर जो बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे थे। तो पक्की बात है डेल्टा गलत हो गया और आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ हेलो एसिड्स इज, भाई जब हम हेलोजन एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा है जी, ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं पीरियड नंबर, जबकि वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखें इसमें जो ट्रेंड आता है वो हमारे पास कुछ इस तरह का ट्रेंड आता है। देखिए ये क्या है, यहाँ पे होता है HF, इधर क्या होता है HCl, यहाँ पे HBr और इधर क्या है HI। अब आप देखें आपके सामने बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, HCl का है, फिर HBr का है, फिर किसका है HI का, और सबसे ज़्यादा किसका है HF का। अब देखें ये ऑर्डर क्यों है, सबसे पहली बात कि इसका सबसे ज़्यादा क्यों है, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग है। दूसरी बात HCl से HI तक बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है, जब साइज बढ़ेगा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज होगा। तो फिर सबसे ज़्यादा किसका हुआ, HF का, उसके बाद HI का, फिर HBr और सबसे कम HCl। तो अब देखें इसमें कोई भी ट्रेंड देख लें,
तो उसमें पूछा हुआ कौन सा था, इंक्रीजिंग, मतलब सबसे कम पहले बताना है, तो सबसे कम HCl का, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, दैट इज चार्ली, सो द आंसर इज चार्ली। लेकिन यहां एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर हमसे पूछा जाए कि इनमें से मोस्ट वोलाटाइल एसिड कौन सा है, मतलब जिसके वेपर आसानी से बनते हैं, तो भाई HCl होगा ना, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए लीस्ट वोलाटाइल, तो जहर सी बात है वो होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी वेपर्स बनने का चांस कम होगा। हमसे पूछा जाए हमारे पास इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हम जानते हैं HI होता है। इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए वीकेस्ट एसिड कौन सा है, तो वीकेस्ट एसिड कौन सा है वाला इनमें से HF है। तो ये इस तरह की बातें भी पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बेरियम रिएक्ट्स विद पॉली एटॉमिक आयन टू फॉर्म अ कंपाउंड विद द जनरल फार्मूला Ba3X2, यानी बेरियम का एक कंपाउंड है और उसका फार्मूला क्या है, Ba3X2। वट वुड बी द मोस्ट लाइकली फार्मूला फॉर द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन सोडियम एंड द पॉली एटॉमिक आयन X। अब देखें, हमने सोडियम के साथ X का कंपाउंड देखना है कि उसका फार्मूला क्या होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये जो पहला एलिमेंट होता है उसके नीचे जो चार्ज होता है असल में वो दूसरे का होता है, और जो दूसरे के नीचे चार्ज होता है वो पहले का होता है। अब पहला हमेशा कैटाइन और दूसरा हमेशा एनाइन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो X था ये -3 था। अगर मैं यहाँ पे X -3 कर दूँ तो Na क्या होगा, Na तो पहले ग्रुप का है तो +1 होता है। तो जब फार्मूला बनेगा तो ये 3 कहाँ आएगा, इसके नीचे, और 1 कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा। इसका मतलब हमारे पास बन जाएगा Na3 और X1 अंडरस्टूड होता है, यानी जब लिखा है X तो पता है पक्की बात है एक ही होगा ना, तो फार्मूला क्या होगा Na3X। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन हैव डेटिव बॉन्ड्स, द ऑक्सी एसिड विच डज नॉट कंटेन डेटिव बॉन्ड इज। देखें, जब हम बात करते हैं HClO की, तो इसकी जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे होगी, HO और यहां पे Cl। तो अब देखें, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, बना हुआ है, ऑक्सीजन दो बनाता है, बना हुआ है, क्लोरीन एक बनाता है, बना हुआ है बिल्कुल, तो कहीं कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। लेकिन जब हम HClO2 की बात करते हैं तो आप देखें ये दो बॉन्ड एक्स्ट्रा हैं, ये दोनों कौन से हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, एक ClO से बनाएगा एक OCl से बनाएगा। इसी तरह हमारे पास है HClO3, तो अब आप देखें यहाँ Cl के कितने बॉन्ड आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं, चार, तो चारों क्या होंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, बिल्कुल उसी सीक्वेंस पे। इसी तरह हमारे पास HClO4 है, तो इसमें ये जो तीन O आए हैं ये बॉन्ड एक्स्ट्रा है, इसका मतलब इनके जो छह बॉन्ड होंगे, छह के छह कौन से होंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। तो किसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, HClO में, तो आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 11, HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज 104.5 डिग्री एंड नॉट 109.5 डिग्री बिकॉज ऑफ। देखिए, जब हम वाटर की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया कि क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट जो है वो टेट्राहीड्रल ही होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को हमने टेट्राहीड्रली अरेंज कर दिया। अब ये जो एंगल है ये 109.5 डिग्री की बजाय 104.5 डिग्री है, क्यों, कि यहाँ देखें लोन पेयर रिपल्शन है जो कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर से भी ज़्यादा होती है और बॉन्ड पेयर से भी। इसका मतलब ये वाली रिपल्शन बॉन्ड पेयर ये कम है, जबकि ये वाली ज़्यादा है, ये वाली भी और ये वाली भी ज़्यादा है। इसका मतलब जब ये रिपेल करेंगे तो ये जो H है ये इस वाले H के करीब आ जाएगा। जब करीब आ जाएगा तो एंगल 109.5 डिग्री से कम हो जाएगा। तो कम किस वजह से हुआ, ड्यू टू ग्रेटर लोन पेयर रिपल्शन देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन
So the answer is beta. Question number 12. Pi bonds in benzene molecule is formed between the orbitals. देखिए अगर हम ये structure देखें तो आपको पता है कि ये CC और CH जो benzene में bond होते हैं वो sigma bond होते हैं. लेकिन चूंकि हर कार्बन sp2 hybridized है तो हर एक कार्बन के ऊपर एक ऑर्बिटल होता है जिसे 2pz कहते हैं और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो अनहाइब्रिडाइज होता है. तो ये जो अनहाइब्रिडाइज हैं जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो इससे कौन से बॉन्ड बनते हैं? पाए बॉन्ड. तो अनहाइब्रिडाइज एक कार्बन का भी पी और दूसरे का भी अनहाइब्रिडाइज पी. सो द आंसर इज चार्ली. क्वेश्चन नंबर 13. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज. देखें हम पढ़ चुके हैं कि जो लैटिस एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज टू साइज रेशो के. यानी दो बातें हम कर सकते हैं, जितना चार्ज ज्यादा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा, या जितना साइज कम उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा. तो अब देखें सबसे पहले हम एक ही फैक्टर को उठा लेते हैं, तो चार्ज ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा. अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें जैसे NaCl है, CaO है, NaI है और BaO, इनमें अगर हम चारों को लिख दें, मसलन पहले ग्रुप वाले में से लिख देते हैं, उसमें क्या है Na दिया हुआ है, तो Na क्या है जी? प्लस वन है. दूसरे में भी Na क्या है? प्लस वन है. इसी तरह दूसरे ग्रुप से उठाते हैं तो कैल्शियम और बेरियम है. अगर हम कैल्शियम और बेरियम को उठाते हैं तो कैल्शियम जो है वो प्लस टू है, बेरियम भी प्लस टू है. अब Na प्लस वन जो है वो Cl माइनस वन से जुड़ा है और किससे जुड़ा है? I माइनस वन से. Ca प्लस टू किससे जुड़ा है? O माइनस टू से. Ba प्लस टू किससे जुड़ा है? ये भी O माइनस टू से. अब पहली बात तो ये है कि भाई ये दो ऑप्शंस तो हो नहीं सकती. क्यों नहीं हो सकती? कि यहाँ जो चार्ज है वो कम है. किन की निस्बत? इन दोनों की निस्बत. जब चार्ज कम तो लैटिस एनर्जी कम, क्योंकि उसने कहा क्या है कि इंक्रीजिंग लैटिस एनर्जी, मतलब यह है कि इन दोनों की लैटिस एनर्जी क्या होगी? कम होगी. इन दोनों की ज्यादा होगी. अब इन में किसकी ज्यादा होगी? जिसका चार्ज ज्यादा हो तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, लेकिन चार्ज तो दोनों पे सेम है. फिर क्या देखेंगे? साइज. हमें पता है बेरियम दूसरे ग्रुप में नीचे है जबकि कैल्शियम कहाँ है? ऊपर है. तो फिर कैल्शियम का साइज छोटा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी. इसका मतलब ये नंबर वन पे होगा, यानी जिसकी लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होगी. उसके बाद कौन होगा? उसके बाद यही होगा नंबर टू पे, क्योंकि इस पे चार्ज ज्यादा है तो बाकियों इन दोनों से तो ज्यादा ही होगी. अब इनमें आ जाते हैं. इनमें क्या है जी? इनमें Na प्लस तो सेम है. बात आ गई हेलाइड आयन की, तो हेलाइड आयन में किसका चार्ज दूसरे से कम या ज्यादा है? किसी का भी नहीं, बराबर है. तो फिर किसको देखेंगे? साइज को. तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी. तो Cl आयन अपने ग्रुप में आयोडाइड से ऊपर है, तो इसका मतलब इसका साइज छोटा है, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी. इसे तीसरे नंबर पे कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली चौथे नंबर पे आ जाएगा. यानी सबसे ज्यादा बेरियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, फिर बेरियम ऑक्साइड, फिर सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम आयोडाइड. और अगर उल्टी बात करेंगे तो सबसे कम NaI, फिर NaCl, फिर BaO और सबसे ज्यादा CaO. तो ऐसी बात ढूंढे कहाँ नजर आ रही है? ऐसी बात हमें नजर आ रही है ये बीटा में. सो द आंसर इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 14. एस्टीमेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन शोन गिवन द एवरेज बॉन्ड एनर्जीज बिलो. अब देखें हमने पढ़ा कि बॉन्ड एनर्जी की सबसे बड़ी एप्लीकेशन क्या है. बॉन्ड एनर्जी की सबसे बड़ी एप्लीकेशन क्या है? इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन मालूम करना. तो अब देखिए हम इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन मालूम कर लेते हैं. अब रिएक्शन क्या है? Br2 है, तो इसका मतलब Br एक बॉन्ड है, प्लस 3F2 है, इसका मतलब तीन दफा FF बॉन्ड होंगे. प्रोडक्ट्स क्या हैं? BrF3, तो एक BrF बॉन्ड होगा, दूसरा BrF बॉन्ड होगा, तीसरा BrF बॉन्ड होगा, क्योंकि BrF3 है. लेकिन हैं कितने मोल? दो मोल. तो हम इसको डबल कर देते हैं. अब इंथाल्पी निकालनी. अब जो रिएक्टेंट में बॉन्ड है Br, इसकी बॉन्ड एनर्जी है 192. चूंकि रिएक्टेंट्स में बॉन्ड टूटते हैं तो 192 एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो प्लस साइन के साथ लिख दिया.
इसी तरह एफ 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 और एफ एफ ये भी रिएक्टेंट्स हैं, तो एनर्जी कितनी थी 158 किलो जाउल, तो ये एनर्जी भी क्या होगी एब्जॉर्ब, तो हम इसे 158 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये भी प्लस में होगी। अब बी आर एफ की 197 है, तो चूंकि प्रोडक्ट्स में बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये 197 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्योंकि 6 बॉन्ड है, और साइन क्या होगा प्लस की बजाय माइनस, क्योंकि बॉन्ड बना एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये हमारे पास ये 3 × 158 बनेगी 474, और ये 192 स्क्वायर किया तो रिएक्टेंट्स की हमारे पास इंथाल्पी प्लस में 666 बन गई, जबकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी हम निकालेंगे तो ये -1182। तो अब प्रोडक्ट्स की ये जो एनर्जी है इसमें से रिएक्टेंट्स की माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो असल में क्या होगी, वो इस रिएक्शन की इंथाल्पी होगी या हीट ऑफ रिएक्शन होगा, तो दैट इज -516। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 15, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद अ सर्टन नॉन मेटेलिक एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड विद द जनरल फार्मूला AlX। अब देखिए एलिमेंट एक्स इज अ डायटोमिक गैस एट रूम टेम्परेचर। अब जब उसने कह दिया डायटोमिक गैस है तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि ब्रोमीन तो नहीं हो सकता, हमें पता है क्योंकि ये क्या है, ये लिक्विड है। एलिमेंट एक्स मस्ट भी, अब एल्यूमिनियम जो है चूंकि थर्ड ग्रुप में वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, कैटाइन बनाता है तो +3 बनाता है। अगर उसने बता दिया कि उसका फार्मूला AlX है तो भाई ये तो तब ही बन सकता है जब इसका चार्ज उसके चार्ज से क्या हो जाए कैंसल, वो तो तभी होगा जब चार्जेस क्या हो सेम, तभी ये कैंसल होगा ना, तो ये एक्स क्या है -3। हमें पता है जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के 5A में होगा उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने लेगा, 3 लेगा ना, तो उस पर चार्ज -3 आ जाएगा। देखिए अगर ऑक्सीजन होता तो ये -2 होता क्योंकि 6 में, फ्लोरीन होता तो -1 होता 7 में, नाइट्रोजन होगा तो पक्की बात है 5 में, वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो N-3 बनेगा, तो इसीलिए कंपाउंड बनेगा AlX या असल में होगा AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ PCl5 इनटू PCl3 एंड Cl2 इफ PCl बॉन्ड एनर्जी इज 330 किलो जूल पर मोल एंड ClCl बॉन्ड एनर्जी इज 240 किलो जूल पर मोल। अब देखिए सबसे पहले रिएक्शन डीकंपोजिशन ऑफ PCl5 है, तो ये रिएक्टेंट हो गया, बनेगा क्या PCl3 और Cl2। अब हम बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, देखें PCl में कितने PCl बॉन्ड है, 5 है ना, एक PCl बॉन्ड की एनर्जी कितनी है 330, तो हम 330 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूंकि रिएक्टेंट्स हैं बॉन्ड टूट रहे हैं तो साइन क्या होगा प्लस। अब प्रोडक्ट्स में कितने PCl बॉन्ड है 3, तो हम क्या करेंगे 3 × 330, लेकिन प्रोडक्ट में बॉन्ड बने एनर्जी रिलीज हुई है, साइन क्या होगी माइनस होगी। Cl बॉन्ड है, Cl2 में एक Cl बॉन्ड है ना, इसकी एनर्जी 240 है, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट में बॉन्ड बना है एनर्जी रिलीज होगी, साइन माइनस आ जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये देखिए ये सॉल्व करेंगे तो 1650 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे -990 आ गया, ये वैसे के वैसा -240। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये इतना आता है, ये पहले ही हमने लिखा हुआ। अब इन दोनों का डिफरेंस जैसे पहले हमने बात की थी क्या होगा, जो भी आंसर दैट विल बी द इंथाल्पी चेंज ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ PCl5 इंटू PCl3 एंड Cl2। तो आंसर क्या है, आंसर इज +420 चार। क्वेश्चन नंबर 17, द शेप ऑफ NH2 नेगेटिव इज, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए बच्चों असल में हमारे पास क्या था, हमारे पास था NH3, और से देखना आपने ये NH3 था। अब आप देखें इसकी जो शेप है ये ट्राइगोनल पायरामिड है। अब हुआ ये कि ये कोई भी एक H जो था इसका, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया, नाइट्रोजन को दे दिया, और ये किसकी शक्ल में रिमूव हो गया, H+ की शक्ल में। अब जो बाकी बचा उसमें क्या होगा, चूंकि ये बॉन्ड N पे आया तो N पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज असल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर के इकट्ठे होने को कहते हैं, देखें ये पूरा बॉन्ड था ना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन N का था एक H का, इसीलिए नेगेटिव चार्ज आया, तो ये पूरा एक पेयर है, जो पहले बॉन्ड पेयर था अब क्या बन गया, लोन पेयर। अब आप देखिए,
अब एक लोन पेयर यहां पे होगा ऐसे करके, एक लोन पेयर कहां है, यहां पे है लोन पेयर, जबकि ये और ये पहले की तरह अब भी क्या है, बॉन्ड पेयर। अब चूंकि NH2 नेगेटिव की शेप पूछी है, शेप क्या है, ज्योमेट्री है बेसिकली, तो कौन सी होगी, एंगुलर आपको नजर आ रहा है या बेंट, या इसे वी शेप्ड कहते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक शेप कहता तो फिर टेट्राहेड्रल होता, या स्ट्रक्चर कहता तो टेट्राहेड्रल होता। तो अब आंसर कौन सा होगा, चार्ली, एंगुलर, या इसे वी शेप्ड भी कहते हैं, बेंट भी कहते हैं। विच मॉलिक्यूल हैज ट्रिपल बॉन्ड इन इट, अगर हम स्ट्रक्चर बना दें, एन टू में क्या होता है, एन एन ट्रिपल बॉन्ड होता है। सी टू एच टू क्या है, सी टू एच टू असल में इथाइन है, इसमें भी देखें कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। एच सी एन क्या है, एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब पक्की बात है आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसा कि बेंजीन वगैरह, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ एसिटिक एसिड बिकम्स डबल, उसका मॉलिक्यूलर मैस डबल हो जाता है, दिस इज ड्यू टू, ये मैस डबल हमें कैसे पता चलता है, जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर ये बात हमें समझ आती है। अब देखें होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर बना दूँ तो दैट इज एक्चुअली सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और एच। अब जब बेंजीन वगैरह में हम इसे डालेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये आयोनाइज होने की वजह क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा एक दूसरे के साथ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पार्शियल नेगेटिव था, ये पार्शियल पॉजिटिव था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, ये पार्शियल पॉजिटिव था, ये पार्शियल नेगेटिव था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम बोलते हैं डायमर, क्या बन गया, डायमर। रीजन क्या है, रीजन इज एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रीजन क्या है, रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखें वैसे एसिटिक एसिड जो होता है CH3COOH, इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है 60, लेकिन जब ये इकट्ठे हो गए तो ये बिहेव करता है लाइक अ सिंगल यूनिट। तो जब हम एक्सपेरिमेंट से एसिटिक एसिड का मास निकालेंगे इन बेंजीन तो वो 60 नहीं आएगा, वो कितना आएगा, 120। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अक्सर पूछी जाती है मुख्तलिफ किस्म के एंट्री टेस्ट में, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एसिटिक एसिड का मोलर मास इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, चाहे नाम दे दे कार्बन डाइसल्फाइड बेंजीन, कितना होगा, तो आंसर 60 नहीं होगा, आंसर 120 होगा। तो बहरहाल ये किस वजह से है, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल्स हेल्ड टूगेदर बाय वेंडर वॉल्स फोर्सेस। अब देखें जब हम बात करते हैं SiO2 की, तो SiO2 में तो एक जॉइंट नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड वाली बात है, तो ये आगे फिर सिलिकॉन आ जाता है एंड सो ऑन, ये नेटवर्क ऐसे चलता रहता है, तो ये जॉइंट नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड है, तो ये तो हो नहीं सकता। बीटा क्या है, MgO है भाई, इसमें Mg+2 है और ओ क्या है, -2। तो हम तो पढ़ चुके हैं कि सेकंड ग्रुप के मेटल्स और सिक्स ग्रुप के नॉन मेटल्स में जो बॉन्ड होता है उसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। चार्ली है CO2। अब CO2 क्या है, अभी हम डिस्कस करके आए थे, CO2 ऐसा है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है, जितना डायपोल मोमेंट इधर है उतना इधर है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो ओवरऑल क्या होगा, नॉन पोलर। और हमने डिस्कस किया कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें एक ही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिन्हें सिंपली वेंडर वॉल्स फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। सो द आंसर इज चार्ली। अगर हम डेल्टा को देखें तो डेल्टा में वाटर है, वाटर में कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन पे और दो एच हैं। तो हमने डिस्कस किया बार बार कि जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ जाएं या बाहर डिफरेंट एटम आ जाए तो वो नॉन सॉरी वो पोलर होता है, जब पोलर है तो उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस सिर्फ नहीं होंगे, तो इसमें तो कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आंसर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 21, अ कंपाउंड विच हैज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कौन सा कंपाउंड है जिसमें तीनों तरह के बॉन्ड होते हैं। देखिए NH4Cl असल में क्या था, असल में था NH3। तो अब आप देखें आपके सामने इसमें कौन से बॉन्ड है,
कोवेलेंट बॉन्ड है, कहीं से आया HCl, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, इसने इस पर अटैक किया, ये इधर चला गया। अब देखिए ये H प्लस है, तो H प्लस और अमोनिया में कौन सा बॉन्ड होता है भाई? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हमें पता है। अब देखें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आ गया किसके अंदर? अमोनियम आयन में। अब देखें ये कैट आयन है, ये क्या बना? Cl पे बॉन्ड आ गया तो Cl नेगेटिव हो गया। तो कैट आयन और एन आयन में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। तो हमने देखा कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी थे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी बना, और ये कौन सा है? आयनिक बॉन्ड भी। तो इसमें तीनों तरह के बॉन्ड्स मौजूद हैं। इसी तरह बच्चों हमारे पास है NaBH4। अब असल में क्या चीज़ थी? असल में हमारे पास था BH3। अब इसमें बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कहीं से आया NaH, सोडियम हाइड्राइड। तो चूंकि H इलेक्ट्रॉन रिच है, इसने इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना लिया? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बन गया BH4, और ओवरऑल कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। जबकि साथ क्या है? साथ Na पॉजिटिव है। तो ये क्या चीज़ है जी? ये आयनिक बॉन्ड है। पहले कौन से बॉन्ड थे तीनों? कोवेलेंट। ये वाला कौन सा बना? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। और ये एन आयन कैट आयन में कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। तो इसमें भी तीनों बॉन्ड है। फिर हमारे पास है कॉपर सल्फेट और 5 वाटर। अब अगर हम कॉपर की बात करें तो ये सिर्फ +2 है। इसी तरह अगर हम सल्फेट की बात करें तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सल्फेट ऐसा होता है। तो अब आपको इसके अंदर भी पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है। लेकिन अगर हम इन्हें ना भी कंसीडर करें तो ये जो 5 वाटर हैं, इनमें से जो एक वाटर मॉलिक्यूल है वो इस कॉपर के साथ बनाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और 4 वाटर किसके साथ बनाते हैं? सल्फेट के साथ। तो वो कौन से बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कॉपर +2 और सल्फेट -2 में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। तो ये इसके अंदर भी तीनों तरह के बॉन्ड मौजूद हैं। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 22, द पोलराइजिंग पावर ऑफ अ कैट आयन इज इंक्रीज्ड। एक कैट आयन की पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है कब? देखिए इसको समझने के लिए हम वापस चलते हैं कहां पे? फैजन्स रूल में। देखिए फैजन्स रूल के अंदर हमने क्या बात डिस्कस की? बेसिकली उसके अंदर कोवेलेंट और आयनिक करैक्टर की जो रिलेटिविटी उसको हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है पोलराइजिंग पावर जो होती है ये जब ज्यादा होती है तो कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होता है। तो अब कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होने के लिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको देख लें। अब पहली ऑप्शन है साइज एंड चार्ज आर इंक्रीज्ड, कि साइज भी बढ़ जाए चार्ज भी बढ़ जाए। एक आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं कहता हूँ जी NaCl है, इसी तरह हमारे पास MgCl2 है और AlCl3 है। अब देखिए एनआइन सेम है, कैट आइन की बात उसने की थी, ये क्या है? ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है। अब लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हैं इन द पीरियड तो कैट आइन का चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन साइज क्या हो रहा है? साइज कम हो रहा है, ऐसे ऐसे साइज कम होता जा रहा है। तो आपको पता है कि बेसिकली जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है। ये जो AlCl3 है दिस इज मोर कोवेलेंट देन MgCl2, ये मोर कोवेलेंट है NaCl के निस्बत। तो ये कौन सा रूल है? फैजन्स रूल। अब जितना कोवेलेंट होता है ना तो उतने कैट आइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। तो अब आप इसको सिर्फ Al+3 को माइंड में रखें तो आप देखें पोलराइजिंग पावर कब ज्यादा है? जब कैट आइन का साइज छोटा है। तो साइज छोटा आपको या तो बीटा में दिखाई दे रहा है या डेल्टा में, इसका मतलब पक्की बात है चार्ली भी गलत अल्फा भी गलत। और दूसरी बात आप देखिए कैट आइन का चार्ज क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। कैट आइन का चार्ज कहाँ बढ़ रहा है? साइज के डिक्रीज होने के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ बीटा ऑप्शन में है। तो आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 23, अमोनिया शोज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमोंग हाइड्राइड्स ऑफ 5A ग्रुप एलिमेंट्स ड्यू टू। देखिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट अनएक्सपेक्टेडली 5वें ग्रुप के हाइड्राइड में सबसे ज्यादा होता है। अब सबसे ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि जी, या जो लफ्ज यहाँ पे यूज हुआ है मैक्सिमम, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज्यादा, इसका मतलब है कि अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा होता है। अब ज्यादा कैसे होता है? अगर हम इसको ग्राफ से शो करें तो हम कुछ इस तरह का ग्राफ बना चुके हैं।
देखिए ये क्या जी NH3, इधर PH3, इधर ASH3 और यहाँ पे क्या होता है SBH3। तो अब अमोनिया का अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसमें कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि यूं क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो रही हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब SBH3 का अमोनिया से क्यों ज़्यादा है, हालांकि इसमें लंडन फोर्सेस हैं और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए कि इसका साइज बहुत बड़ा है, यानी इसकी जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज़्यादा अफेक्टिव हैं, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से भी ज़्यादा। तो बहरहाल बात क्या थी, बात यह थी कि अमोनिया का अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा क्यों है। तो हमने पहली बात की कि एन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनमें सबसे ज़्यादा है, और वैसे भी पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में इसका शुमार होता है, तो जिसकी वजह से कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। सो द आंसर इज चार्ली। अब यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर क्या होगा, ये होगा PH3, फिर क्या होगा ASH3, फिर होगा NH3 और सबसे ज़्यादा यहाँ किसका होगा, SBH3 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन अमोनिया मॉलिक्यूल चेंजेस टू अमोनियम आयन ऑन गेनिंग अ प्रोटॉन द बॉन्ड एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर बिकम्स अप्रोक्सीमेटली। देखिए अमोनिया का मॉलिक्यूल है, हम लिख देते हैं जी ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इस तरह की हमें पता है इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसकी शेप क्या है, ट्राइगोनल पायरामिड, और ये जो एंगल है दिस एंगल इज 107.5 डिग्री। अब अगर कहीं से हमारे पास आ जाता है H+ यानी प्रोटॉन, तो ये बनाएगा इसके साथ कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या होगा, अब हमारे पास बन गया ये NH4 और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस। अब आप देखिए गौर से, तो नज़र आ रहा है हमें ये वाला एंगल किस जैसा होगा, ये मीथेन जैसा एंगल होगा, और मीथेन का एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि जब अमोनिया H+ से बॉन्ड बनाता है और अमोनियम आयन बना लेता है, तो जो बॉन्ड पेयर एंगल है वो क्या हो जाता है, तो पहले 107.5 डिग्री था, अब क्या होगा 109.5 डिग्री। तो ये कहाँ दिया हुआ है, तकरीबन आंसर हमारे पास हो गया चार्ली। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट विद रेफरेंस टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अब आप देखिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये है, अगर ये है तो SP2 तो नहीं होगा, क्योंकि कितने पेयर हैं इसके बाहर, एक और एक दो, तो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा, SP, तो फिर बेंट भी नहीं होगा, क्या होगा ये लीनियर होगा, इसका मतलब अल्फा जो है क्या हो गया, गलत हो गया। इसी तरह बीटा वाटर है जी, अब वाटर तो है, अब ओ पे कितने लोन पेयर हैं, हमने बार बार पढ़ा दो लोन पेयर हैं, अब पेयर कितने हैं टोटल, 1, 2, 3 और ये चार हैं, तो पहला एस की वजह से और अगले तीनों पी की वजह से, तो SP3 होगा। अब SP3 है लेकिन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री यही वाली होगी, तो कौन सी बनेगी, बेंट। अब वाटर भी ठीक है, SP2 वाली बात गलत है, बेंट ठीक है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल गलत हो गया। चार्ली BeCl2 दूसरे ग्रुप का है, हम जानते हैं दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं हेलाइड और हाइड्राइड, वो कौन से होते हैं, एस एलिनियर। अब सेंट्रल एटम के बाहर कितने पेयर हैं, दो, पहला एस दूसरा पी, SP हो गया। शेप हमें नज़र भी आ रही है कौन सी, लीनियर, इसका मतलब चार्ली सही है। अब वाटर के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि वाटर जो है SP3 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन लीनियर नहीं है, क्या है, बेंट है, तो ये गलत, तो आंसर कौन सा सही है, चार्ली। क्वेश्चन 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मिनिमम रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वेलेंस शेल ऑफ इट्स सेंट्रल एटम। देखिए मिनिमम रिपल्शन तो तब हो सकती है जब बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो, तो देखिए CH4 हमने बार बार बनाया ये टेट्राहीड्रल है और इसमें जो बॉन्ड एंगल है
वो 109.5 डिग्री है। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर कैसा होता है, वाटर में दो लोन पेयर होते हैं, ये जो एंगल है ये 104.5 डिग्री है। अमोनिया एन के ऊपर एक लोन पेयर है और ये तीन इस तरह से बॉन्ड पेयर हैं, ये एंगल कितना होता है 107.5 डिग्री। और जब एच एफ की बात करते हैं तो एच एफ में ये वाली बात है, अब इसमें कहीं डायपोल मोमेंट कहीं से कैंसल नहीं हो रहा। क्वेश्चन क्या था, मिनिमम रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ इट्स सेंट्रल एटम। देखें इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन सबसे कम कौन सी होती है, बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर से, उससे ज़्यादा बॉन्ड पेयर की लोन पेयर से, और सबसे ज़्यादा लोन पेयर की लोन पेयर से। तो अगर हम बात करें ये तो वैसे ही और ही चीज़, इसमें तो तीन लोन पेयर हैं, सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगी, इन इसमें दो लोन पेयर हैं उससे कम होगी, इसमें एक लोन पेयर उससे कम, और इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन सबसे कम होगी। तो आंसर अल्फा। क्वेश्चन 27, द कार्बन नंबर 3 इन द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दी हुई है, शोज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चों इस 3 वाले कार्बन को देखें, इसके इधर भी बॉन्ड है इधर भी बॉन्ड, और कितने एच हैं, दो एच, एक ऊपर और एक नीचे। तो आप देखिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर गिनिए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेफ्ट पे, एक राइट पे, एक ऊपर एक नीचे, कितने हैं, चार। तो हम कहते हैं पहला किसकी वजह से, एस की वजह से, और अगले तीनों किसकी वजह से, पी की वजह से। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, एस पी थ्री, सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन 28, इन NH3 द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय, भाई अभी अभी हमने एक बात की थी, क्या बात की थी कि NH3 में N की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखिए गौर से, N के बाहर कितने पेयर हैं, N के बाहर हमें चार पेयर दिखाई दे रहे हैं, कौन से पेयर हैं, एक लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर। हमने कहा कि जब N के बाहर चार पेयर हैं तो पहला किसकी वजह से, S की वजह से, दूसरा PX, फिर PY, फिर PZ, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3। जबकि जो H होता है, H का चूंकि एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 1s1, तो इसका कौन सा ऑर्बिटल, S। तो जब N H से बॉन्ड बनाएगा तो N का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और H का कौन सा ऑर्बिटल, S। इसका मतलब अमोनिया में N और H का कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा sp3, S ओवरलैपिंग, या S sp3 ओवरलैपिंग, सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन 29, बोथ BF3 एंड NF3 आर कोवेलेंट बट BF3 इज नॉन पोलर वाइल NF3 इज पोलर। बिकॉज देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि भाई बार बार हमने पढ़ा कि जो BF3 है उसमें सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, और बाहर जो उसके एटम जुड़े हुए हैं वो सिमिलर टाइप के हैं, तो सबके डायपोल मोमेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और ये है ट्राइगोनल प्लेनर। तो प्लेनर जो भी होता है, जो बातें अभी दो हमने की उसी तरह होता है, तो वो क्या होगा, नॉन पोलर। जबकि जो NF3 है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो N पे लोन पेयर है, और लोन पेयर होने की वजह से ये क्या नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये सारे डायपोल मोमेंट एक दूसरे के इफेक्ट को क्या नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। जब कैंसिल नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो इसकी सॉरी पोलर, तो इसकी शेप क्या है, ट्राइगोनल पायरामिड। तो ये NF के तीन जो डायपोल मोमेंट है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते, सो इट इज पोलर। तो आंसर क्या है कि द सम ऑफ वेक्टर मोमेंट्स इन BF3 इज जीरो, यानी इधर डायपोल मोमेंट का सम जीरो है। अगर हम इसको करके देखें, गौर से देखिए, एक डायपोल मोमेंट इधर है, दूसरा इधर है, और तीसरा इधर है। फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा हुआ, हेड टू टेल रूल्स है। तो आप देखिए एक वेक्टर ऐसा जा रहा है, दूसरा कैसे है जी, दूसरा वेक्टर ऐसे है, तीसरा क्या है, उस तरफ को जा रहा है। अगर ये चला जाए तो अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर की कोई जगह बची है, नहीं बची। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ये इसका डायपोल मोमेंट होता है, तो नहीं बचा, तो डायपोल मोमेंट जीरो, यानी सिंपल वर्ड्स में ये क्या है, नॉन पोलर। अल्फा वैसे देख लें, अल्फा में क्या है कि एटॉमिक साइज ऑफ बोरॉन इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी साइज नाइट्रोजन का छोटा है, बोरॉन का साइज बड़ा है,
बी एफ थ्री एस प्लेनर बट एन एफ थ्री एस पायरा मिडल. तो ये रीजन हो सकती थी अगर डेल्टा ना होता. बोरॉन इज अ सॉलिड वाइल नाइट्रोजन इज अ गैस. बोरॉन और नाइट्रोजन की तो बात ही नहीं है, हम तो बी एफ थ्री और एन एफ थ्री की बात कर रहे हैं. और डेल्टा पे था कि सम ऑफ वेक्टर मूवमेंट्स इन बी एफ थ्री इज जीरो, सो द आंसर इज डेल्टा. क्वेश्चन 30, द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ. देखिए हम कहते हैं जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिकली लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को मिला के, यानी दोनों की कलेक्टिव जो अरेंजमेंट है. तो देखिए ये वाटर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर की जो अरेंजमेंट है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज टेट्राहेड्रल. अब हम सबको देख लेते हैं. देखिए जो H3O प्लस है वो कैसे बना होगा, वो बना होगा कि जब H प्लस के साथ इसका बने कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. तो हम इसी से रिलेट करके बना देते हैं. तो अब क्या होगा, यहाँ लोन पेयर होगा जबकि इधर भी बॉन्ड पेयर बन गया, इधर भी बॉन्ड पेयर और इधर भी बॉन्ड पेयर. तो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट जिसको आप स्ट्रक्चर बोलते हैं H3O प्लस की भी कौन सी है, इसकी भी टेट्राहेड्रल है. इसी तरह जब आप NH2 की बात करते हैं, NH2 नेगेटिव की, तो NH2 नेगेटिव भी अभी हम पढ़ के आए थे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे लोन पेयर होगा, ये क्या है जी ऐसे, ये एच, और यहाँ पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज. तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट देखें कैसी ही है, टेट्राहीड्रल ही है. फिर आप देखें CH3 नेगेटिव, तो CH3 नेगेटिव में अगर आप देखते हैं तो बेसिकली इसके कितने बॉन्ड हैं सी के साथ, एच के 3 बॉन्ड हैं. वो कैसे होंगे, ऐसे होंगे. जबकि यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, यानी एक पूरा पेयर है. तो इसकी अरेंजमेंट भी देखें कौन सी है, टेट्राहीड्रल है. तो फिर एक ही बचता है, वो है BeCl2. तो BeCl2 कैसा होता है, लीनियर होता है. BeCl2 कैसा होता है, लीनियर होता है. बात समझ आ गई. तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर कहें तो फिर ये देखें इसमें एक ऑप्शन बचती है BeCl2. लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब हमने कई दफ़ा एग्जांपल्स ली हुई हैं कि हमने क्वेश्चन की ऑप्शंस के मुताबिक उसका आंसर करना. अब अगर हम ये कह दें भी ये क्वेश्चन गलत है तो तब तो आंसर कौन सा बनेगा, चार्ली बनेगा. यानी हम इसको बदल दें, द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ, तो ये मैं कहूँगा जी इज नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ, तो आंसर चार्ली. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये सही है, तो अब इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने आंसर करना. तो फिर इसका मतलब ये होगा कि यहाँ इस स्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली हमने वाटर के सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को देखना है. बॉन्ड पेयर्स के मुताबिक इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है बेंट या एंगुलर या वी शेप. तो अब आप देखें इसमें वाटर अगर बेंट है तो और कौन सा है जो आपको बेंट दिखाई दे रहा है, तो दैट इज NH2 नेगेटिव. सो द आंसर विल बी बीटा. क्वेश्चन 31, बॉन्ड एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाई इंक्रीजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. देखें जैसे पहली बात है, इसको हमने कहा एस करेक्टर. तो गौर से देखें, अगर हमारे पास CC सिंगल बॉन्ड है, इसी तरह CC डबल बॉन्ड है और CC ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें पता है कि जो CC सिंगल बॉन्ड है दिस इज एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइज्ड, CC डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड, CC ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज्ड. अब इसमें जो एस करेक्टर है वो 25% है, इसमें एस करेक्टर 33% है, इसमें एस करेक्टर 50% है. तो देखें किस में एस करेक्टर ज़्यादा है, CC ट्रिपल बॉन्ड में. तो हम कहते हैं इस कार्बन की कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, इसलिए इसको तोड़ना मुश्किल है. तो इसकी बॉन्ड एनर्जी इनमें सबसे ज़्यादा है. तो एस करेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है. हमने ढूंढना एक्सेप्ट, यानी जिसमें कहानी उलट हो जाए. बॉन्ड पोलैरिटी, अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी की बात करें एस करेक्टर की, तो गौर से देखें, अगर मैं इस सी के साथ एक एच जोड़ दूं और इस सी के साथ भी एच जोड़ दूं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब ये वाला सी चूंकि ज़्यादा एस करेक्टर रख रहा है तो ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो ये पार्शियल नेगेटिव ज़्यादा होगा और ये पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा होगा. लेकिन इसमें एस करेक्टर कम है तो ये शेयर्ड पेयर को खींचने की कैपेसिटी भी कम है, तो ये कम पार्शियल नेगेटिव और ये कम पार्शियल पॉजिटिव होगा. तो आपने देखा कि बॉन्ड पोलैरिटी कहाँ से ज़्यादा है, इस CH में या इस CH में, इस CH में.
तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, तो ज्यादा होगी। तो बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ने से क्या बढ़ जाती है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। इसी तरह फिर हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, चलें एक जैसे हमारे पास HF है और HCl है, तो किस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, HF में, ये ज्यादा पोलर है तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वो भी यही बात है, जितना डिफरेंस ज्यादा है उतना ज्यादा पोलर है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, लेकिन जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास CC है और SiSi है, इसमें क्या है कि जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं इस ग्रुप में तो क्या होता है, एटम्स का साइज बढ़ेगा, जब साइज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, लेकिन बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो बॉन्ड एनर्जी का बॉन्ड लेंथ से क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो तो तब ही स्ट्रांग होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मुझे बताएं, एच और एफ का ज्यादा है, एच और ओ का ज्यादा है, या एच और एन का ज्यादा है, तो नो डाउट किसका ज्यादा है, एच और एफ का। लिहाजा इनमें जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड उसकी निस्बत थोड़ा सा वीक होगा, इसका उससे भी वीक होगा, क्योंकि क्या कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इनमें एक ही ऐसा बॉन्ड है, तो आंसर डेल्टा। क्वेश्चन है कि कंपेयरिंग द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स द करेक्ट सीक्वेंस इज। देखिए जो बॉन्ड एनर्जी की सीक्वेंस होती है उसकी निस्बत बॉन्ड लेंथ की सीक्वेंस उलट होती है। तो अभी अभी हम पढ़ के आए थे कि बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा CC ट्रिपल बॉन्ड की है, इसके मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। तो CC सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, तो ये हमें नज़र आ रहा है किस ऑप्शन में, चार्ली। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एटम्स आर मोस्ट लाइकली टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, कि कौन से एटम में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। देखें कॉमन सेंस की बात है कि एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो तो बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक, और अगर दोनों ही नॉन मेटल हो तो हमेशा बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट। पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं, देखिए Na फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, F सेवंथ ग्रुप का नॉन मेटल है, तो इसमें तो सबसे ज़्यादा आयनिक बॉन्ड होगा, कॉपर ट्रांजिशन मेटल है और क्लोरीन सेवंथ ग्रुप का नॉन मेटल है, आयनिक बॉन्ड होगा। लिथियम फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, F सेवंथ ग्रुप का नॉन मेटल है, क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। तो एक ही ऑप्शन है चार्ली, जिसमें कार्बन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 35, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू लाइम इंडस्ट्रियल फर्नेसेस बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, विच टाइप ऑफ बॉन्ड नीड्स टू बी ब्रोकन फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड टू मेल्ट। अब ये पहले वाली सिर्फ ऐसी कहानी दी हुई है। देखिए बच्चों बॉन्ड कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस टू, ऑक्साइड माइनस टू। तो हम तो पढ़ चुके हैं कि जो सेकेंड ए का एलिमेंट किसके साथ बॉन्ड बना है, 6A के एलिमेंट के साथ, तो सेकेंड ए की लो होती है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, और 6A की क्या होती है, हाई क्या, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इनके अंदर जब भी बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 36, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई आर, ये दी हुई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दे फॉर्म द कंपाउंड विद फार्मूला। अब देखिए जो एक्स है हमारे पास उसमें जो डी है वो तो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो एस में ही दो इलेक्ट्रॉन है, ये हमें लग भी रहा है कि शायद ये जिंक है। अगर ये जिंक है तो ये क्या होता है, जिंक हमें बनाता है प्लस टू। इसी तरह जो दूसरा एलिमेंट है 1s2 2s2 2p4, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 4 और 2 6, ये छठे ग्रुप का है, तो छठे ग्रुप का जो भी एलिमेंट हो वो क्या बनाता है, माइनस टू बनाता है। फर्ज के हम कहते हैं जी ओ माइनस टू है, तो जे दोनों चार्जेस सिमिलर हैं क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो ZnO। मतलब अब अगर मैं Zn को X कह दूं यानी X प्लस टू और O को Y कह दूं यानी Y माइनस टू, तो फार्मूला क्या बनेगा, XY। सो द आंसर इज बीटा।
क्वेश्चन 37, द मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हम बना देते हैं. देखिए SO2 ऐसा है विद वन लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर. वाटर कैसा है? वाटर ऐसा है विद टू लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर. फिर यहाँ HCN कैसा है? HCN ऐसा है. और जो H2O2 है वो कैसा है? वो ऐसा है. यहाँ पे ऐसे ये लोन पेयर हैं, सेम इधर भी लोन पेयर और ये H है. अब अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो यहाँ स्ट्रक्चर का असल में मतलब क्या बन रहा है क्वेश्चन के मुताबिक? वो ज्योमेट्री बन रहा है. तो आपके सामने ये कैसी है? बेंट है. ये भी कैसी है? बेंट है. ये भी कैसी है? बेंट. इधर भी बेंट है. सिर्फ और सिर्फ ये कौन सी ज्योमेट्री है? लीनियर. सो द आंसर विल बी चार्ली. क्वेश्चन नंबर 38, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड कैन नॉट अकर इन द सेम कंपाउंड. ये तो फिर गलत है. क्यों गलत है? देखें, हमारे पास अभी हम पढ़ के आए थे कि NH4Cl, तो NH4Cl में सबसे पहले आप यहाँ देख लें NH4+Cl- कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड. जबकि ये किससे बने? अमोनिया से. तो पहले ही यहाँ कौन से बॉन्ड थे? तीन कोवेलेंट बॉन्ड थे, तो एक ही कंपाउंड में हो सकते हैं. बीटा, अ कोवेलेंट कंपाउंड कैन नॉट बी एन इलेक्ट्रोलाइट. कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता. भाई देखिए, HCl कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट है. लेकिन जब आप इसे वाटर में डालते हैं तो ये आयोनाइज हो जाता है. मींस दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट. तो फिर ये बात भी गलत हो गई. चार्ली, अ कोवेलेंट कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड. कि एक ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो, तो वो क्या करता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. तो मिसाल के तौर पे, अच्छा वो गौर करना है स्टेटमेंट पे, कोवेलेंट कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी कोवेलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन नहीं है. उसने कहा जी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, वो जनाब क्या करेगा? वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. मिसाल के तौर पे गौर से देखिए, ये हमारे पास है एसीटोन. अगर ये एसीटोन है तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन किससे नहीं जुड़ा हुआ? हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ. तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हम कहते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हो, या फ्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ा हो, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हो. तो इसका मतलब ये बात क्या है? गलत है. सो डेल्टा है, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सॉलिड स्टेट. तो मेटल तो हर फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं. सो द करेक्ट आंसर इज डेल्टा. क्वेश्चन 39, फॉर विच आयन द लैटिस एनर्जी लाइकली टू बी द मोस्ट एक्सोथर्मिक, यानी सबसे ज़्यादा होगी, कीपिंग द एन आयन सेम, अगर एन आयन सेम हो. अब ये कौन से हैं जी? ये ABCD, ये कैट आइंस हैं. ये उनका चार्ज है, ये उनका रेडियस है. तो भाई हम तो अभी डिस्कस करके आए कि लैटिस एनर्जी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज टू साइज रेशो के. इसका मतलब बच्चों सबसे पहले तो क्या देखना है हमें? लैटिस एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसका चार्ज ज़्यादा होगा. तो इसका मतलब अल्फा भी गलत हो गया और डेल्टा भी गलत हो गया. अब इन दोनों का चार्ज ज़्यादा भी है और सेम भी है, तो फिर किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी? जिसका साइज कम होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है. तो देखिए 0.065 और 0.130 में कम साइज किसका है? बीटा का. सो द आंसर इज बीटा. क्वेश्चन 40, बोथ CH4 एंड अमोनिया आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम एंड एंगल ऑफ CH4 एंड अमोनिया आर 109.5 degree एंड 107.5 degree रिस्पेक्टिवली. दिस डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल इन अमोनिया इज ड्यू टू. तो देखें, जब हम CH4 की बात करते हैं तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, तो रिपल्शन सबसे कम है. एंगल 109.5 degree. जब हम बात करते हैं अमोनिया की, तो यहाँ एक क्या हो जाता है? लोन पेयर. जबकि तीन क्या हो जाते हैं? बॉन्ड पेयर. अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो ज़्यादा है किसकी निस्बत? बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की निस्बत. लिहाजा ये जो बॉन्ड हैं ये करीब आ जाएंगे और एंगल 109.5 degree से कम होकर 107.5 degree हो जाता है. तो हमें बात समझ आ गई कि क्यों ऐसा है,
क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा. सो द आंसर इज चार. क्वेश्चन 41. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स रिक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डिसोसिएट इनटू एटम्स कंसर्न. तो ये तो सबसे आसान है, ये हमें जो ऑप्शंस नजर आ रही हैं सब में बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है और हैं भी सिमिलर एटम्स में. तो हम सिंपल सी बात कहा करते हैं कि ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, यानी कोई से दो एटम्स में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एनर्जी, उतनी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी. तो देखिए ClCl में एक बॉन्ड है, NN में तीन है, फिर CCl में एक बॉन्ड है, OO में दो बॉन्ड है. तो सबसे ज्यादा बॉन्ड्स कहाँ हैं? NN ट्रिपल बॉन्ड. तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. सो द आंसर विल बी बीटा. क्वेश्चन 42. व्हेन एन एलिमेंट ऑफ वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी जैसा कि फर्स्ट ए का हो सकता है इज अलाउड टू रिएक्ट विद एन एलिमेंट ऑफ वेरी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, किसका हो सकता है? 7A का. वी गेट, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड. सिंपल, बार बार हमने डिस्कस किया. क्वेश्चन नंबर 43. द डायपोल मूवमेंट्स ऑफ अमोनिया HF एंड वाटर आर, ये डायपोल मूवमेंट बता दिए हैं. द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली इज, ये डायपोल मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ चक्करबाजी के लिए दिया हुआ है. असल में क्वेश्चन क्या है? डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये जो तीन कंपाउंड है इनका. तो अब डिक्रीजिंग का मतलब है पहले उसका जिक्र करना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो HF का ज्यादा है तो इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन चूंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा होता है. अब HF का अमोनिया से ज्यादा क्यों होता है? इसलिए कि अब अमोनिया में भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, HF में भी एक है, बट HF में ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्ड से बहुत स्ट्रांग है. तो इसलिए ऑर्डर क्या होगा? ये होगा. तो आंसर डेल्टा. क्वेश्चन 44. एन आयनिक कंपाउंड विल डिसॉल्व इन वाटर ओनली इफ, तो ये हमने कई दफा डिस्कस किया, ये सिर्फ तब ही हल हो सकता है जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो और लैटिस एनर्जी कम हो. देखिए यहां पे अगर हम कहते हैं कि जैसे ये दिया हुआ है डेल्टा, हाइड्रेशन एनर्जी इज लो और लैटिस एनर्जी इज वेरी लो, तो भाई लो और वेरी लो कुछ नहीं होता. वेरी लो का मतलब है असल में लो और लो का मतलब है हाई, लेकिन लो और वेरी लो कोई टर्म्स नहीं है जिनको हम यूज करते हैं. हम क्या यूज करते हैं इनकी बजाय? हाई और लो. सो द आंसर इज बीटा. क्वेश्चन 45. द बॉन्ड बिटवीन HH इज, अब HH का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड बिटवीन HI, तो बिल्कुल, क्योंकि आई का साइज बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई और बॉन्ड एनर्जी कम हो गई. फिर वीकर देन द बॉन्ड बिटवीन HI, यानी उससे वीकर है, वीकर तो नहीं हो सकता, उल्टी बात हो गई. नाइदर स्ट्रॉन्गर नॉर वीकर, ये भी नहीं हो सकता, नॉट कंपेयरेबल, गलत, जब साइज का फर्क आ गया तो हम कंपेयर कर सकते हैं. सो द आंसर इज अल्फा. ये बॉन्ड एनर्जी भी यहाँ पे देखी जा सकती है. जैसे अगर HH की बात करते हैं तो HH की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 436. जब II की बात करते हैं तो 151 है. तो देखिए HH की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो वाकई उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा. किसकी नस्बत? HI की नस्बत. क्वेश्चन 46. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन सिक्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, वो भी बॉन्ड पेयर. तो अब देखें मिसाल के तौर पे इथीन है. इथीन की अगर हम बात करें तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी. CO2 की बात करें तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी. इसी तरह CH4 की बात करें, ये इसकी स्ट्रक्चर है. NF3 की बात करें तो ये NF3 की स्ट्रक्चर होगी. अब क्वेश्चन ये था कि हमने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, वो भी कितने? 6. तो आप देखें इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉन्ड हैं, इसका मतलब 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है. इसमें 1, 2, 3, 4 बॉन्ड हैं, यानी 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है. इसमें 4 बॉन्ड है, 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. इसमें देखिए कितने बॉन्ड है? 3. तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए? 6. सो द आंसर इज डेल्टा. क्वेश्चन 47. व्हाट इज द प्री डोमिनेंट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इन CBr4? देखिए अगर हम CBr4 को ड्रॉ करें तो CBr4 में
सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है। दूसरी बात, बाहर जो चारों एटम हैं चारों के चारों सिमिलर हैं, तो फिर ये क्या है, ये नॉन पोलर है। और अगर कोई नॉन पोलर है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो फोर्सेस होंगी वो कौन सी होंगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। सो आंसर अल्फा। क्वेश्चन 48, इन विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल द फॉर्मर मॉलिक्यूल पोजेसेस ग्रेटर परमानेंट डायपोल, मतलब वो ज़्यादा पोलर है ये पूछा हुआ है, देन द लेटर मॉलिक्यूल दूसरे की निस्बत। अगर हम 1,4-dichlorobenzene की बात करते हैं तो ज़रा ध्यान से देखिए ये क्या होगा, ये ऐसा होगा। अब देखिए इसमें क्या है, जितना डायपोल मोमेंट इसका उतना ही इसका, जैसे CO2 में था, अपोजिट इन डायरेक्शन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, डायपोल मोमेंट जीरो। अब डायपोल मोमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ ये देखना ये क्या है, नॉन पोलर है। जब आप 1,2-dichloro की बात करेंगे तो चूंकि ये 1,2-dichloro वाला सिमिट्रिकल नहीं होगा, लिहाजा एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल नहीं करेगा, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये पोलर होगा। तो यहाँ क्या है, पहला नॉन पोलर है और दूसरा पोलर है। सवाल में क्या आता है, जो पहला है वो ढूंढना है जो ज़्यादा पोलर हो। बीटा में यहाँ क्या है जी, क्लोरोइथेन। तो सिंपल है, क्लोरोइथेन क्या होगा, पोलर होगा। क्यों पोलर होगा, क्योंकि उसमें क्लोरो ग्रुप हमें नज़र आ रहा है, जबकि 1,1-dichloroethane है, ये कैसा होगा, ये CH2 फिर CH2, इधर भी Cl है इधर भी। अब इसकी शेप ऐसी नहीं है जैसे हमें दिखाई दे रही है, तो बहरहाल ये भी पोलर होगा, लेकिन इसकी पोलैरिटी इससे ज्यादा होगी। चार्ली है CIS-2,3-dichloro-2-butene। अब देखिए CIS-2,3-dichloro-2-butene ये है, अब आपके सामने है, जितना डायपोल मोमेंट इधर है उतना इधर है, लेकिन आप देखिए ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेगा। अगर देखिए एक वेक्टर ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, तो ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है यहाँ कौन सा वेक्टर होगा, यहाँ होगा रिजल्टेंट वेक्टर। जब वेक्टर है तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट है तो ये क्या होगा, पोलर। जबकि जो दूसरा हमारे पास ट्रांस है, ट्रांस जब हम बनाएंगे उसमें क्या होगा, उसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी, देखें अगर ऐसी होगी तो आपके सामने है यहाँ जो डायपोल मोमेंट है, जैसे अगर हमारे पास इधर वाला डायपोल मोमेंट है तो इधर वाले के बराबर है, देखिए अपोजिट इन डायरेक्शन है ना, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, डायपोल मोमेंट जीरो, यानी ये क्या होगा, नॉन पोलर। तो पक्की बात है फिर आंसर कौन सा हुआ, चार्ली। जबकि डेल्टा में CO2 है, बार बार पढ़ा नॉन पोलर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये पोलर है, तो उल्टी बात है यहाँ। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन 49, व्हेन अ वाटर मॉलिक्यूल चेंजेस टू हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर क्या है जी, ओ पे दो लोन पेयर होते हैं, ओ पे क्या होते हैं, दो लोन पेयर, जबकि दो बॉन्ड पेयर भी हैं, एक बॉन्ड इधर एच के साथ है, एक इधर एच के साथ है। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, जब ये कोई एक लोन पेयर इससे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। अब क्या होगा, एक तो यहाँ लोन पेयर है, कोई कहीं भी मर्जी ड्रॉ कर दें, जबकि तीन क्या बन गए, बॉन्ड पेयर। अब इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कोई 104.5 डिग्री, और ये किस जैसा, अमोनिया जैसा, ये तकरीबन 107.5 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या था, द बॉन्ड एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली, तो अमोनिया जैसा, आंसर डेल्टा। क्वेश्चन 50, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड डायमंड। देखिए डायमंड क्या है, उसमें एक कार्बन चार और कार्बन से जुड़ा है, तो अब ये वाला जो सी है इसके बाहर कितने पेयर है, चार, तो जब भी हम कहते हैं चार पेयर हो तो एक एस और तीन पी, तो एस पी थ्री है। फिर कहते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में एक कार्बन तीन और कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ता है, तो कितने पेयर हैं, तीन, तो एक एस और दो पी, तो एस पी टू है। फिर एसीटाइलीन है, एसीटाइलीन क्या है, इथाइन। अगर हम इथाइन की स्ट्रक्चर बनाएं तो ये है, तो वेस्पर थ्योरी के मुताबिक किसी भी सी को देखें उसके बाहर कितने पेयर हैं, दो, तो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड, एस पी, रिस्पेक्टिवली है, तो पहले एस पी थ्री फिर एस पी टू फिर एस पी, तो आंसर कौन सा है, डेल्टा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।